सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस आज मैं खेल रहा था अपने चट्टी बड्डी गली के कुछ फ्रेंड्स के साथ, जिसमें से एक तो मेरी एज का है और बाकी जो दो हैं वो छोटे बच्चे हैं। तो काफ़ी मतलब लाइक हम लोग खेलते रहते हैं रात के टाइम, फन वन वगैरह करते रहते हैं। तो इस तरह मैं इनके साथ खेल रहा था और बहुत ही फ़नी मैच गया गाइस। और ये जो मेरी एज का जो लड़का था नंबर टू गाइस, ये बहुत ज़्यादा फ़नी था। तो हम लोग गए हैं, सॉरी हम लोग गए हैं जॉर्जिया पुल, और जॉर्जिया पुल में गैस एक ही बंदा आता है, वो बहुत ही पीरू होता है 1v4 मारने के लिए। खैर हम लोग यहाँ पे के लूट वगैरह कर लेते हैं। मेरे टीममेट बोलते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे देखा था, वो मार्क कर देता है। अब गैस सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि ना अपने टीममेट की बात सिर्फ कभी मत सुनो, ठीक है? हमेशा ना खुद के सेंस भी यूज़ करो कि यहाँ पे यार बंदे हो कहाँ सकते हैं। तो मैं ऐसे कवर से जा रहा था ताकि मतलब मुझे कवर ही मिले दोनों तरफ से, आगे से भी और पीछे से भी, ताकि थर्ड पार्टी ना हो जाए। क्योंकि मोस्टली गाइस गलती करता हूँ मैं, और इतनी देर में वाकई में ऐसा हो कि बंदा ना पीछे निकला, ठीक है? बंदा पिछले वेयर हाउस में था। अब मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ, देखो गाइस यहाँ किल लेने का तरीका मेरा, देखो मैंने अपने टीममेट को बोला कि भाई तुम इस तरफ जाओ कटने की तरफ, मैं जा रहा हूँ वेयर हाउस में, बंदा वेयर हाउस में है वरना तुमको पेल देगा। और यहाँ पे देखो गाइस लूट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ रहे हो ना? और ये भाई यहाँ पर देखो कैम्प करके बैठे हुए हैं। तो मैं भाई को मारता हूँ, भाई बाहर गए फिर अंदर आए, भाई को हमने किया लो एक बुलेट लगी, और भाई आते हैं हीरो बन के। अच्छा हीरो बन के आ रहे हैं भाई मारने के लिए। खैर हम लोग यहाँ से लूट वगैरह करके निकलते हैं। अब गाइस गाड़ी लेके ना मैं अपने टीममेट बोलता हूँ कि चलो जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो। और ये भाई गाड़ी में बैठते नहीं है, वाकई में जल्दी चल रहे होते हैं, देख रहे हो? अब देखो ये कौन सा सस्ता नशा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? कमेंट कौन सा सस्ता नशा करते हो। उसके बाद गाड़ी लेकर निकल रहे थे हम लोग, सामने देखते भाई दो गाड़ियाँ आपस में लगी हुई हैं, आई मीन खड़ी हुई हैं। इधर एक गाड़ी निकल रही होती है, बंदे निकल रहे होते हैं, और यहाँ पे आपका भाई एकदम पिरू बन जाता है, और यहाँ पे 1v3 मारता है आपका भाई, वो भी एक ही सपड़े में। ओ माई गॉड। अब गाइस यहाँ पे ड्रॉप लूटने का तरीका आज मैं आपको बता देता हूँ, सबसे मजे का ड्रॉप लूटने का तरीका। अब देखो गाइस गाड़ी मैंने रोकी, मैंने अपने टीममेट को बुलाओ, ओ सामने बंदे मुझे साउंड आया, सामने बंदे मुझे साउंड आया, पीछे हो पीछे हो, कवर ले लो कवर ले लो। मैं एक मिनट आगे जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ किधर बंदे। बस गन शोल्डर में डालो और भागो यहाँ से। समझ रहे हो? इतनी देर हम लोग फिर ड्रॉप लूट के हम लोग निकलते हैं यहाँ से, देखते गाड़ी लगी हुई है रोज चौक में। मैं निकालता हूँ फिर नेड़, मैं बोलता नहीं नेड़ निकालूंगा तो लेट हो जाऊँगा, अपना निकालता हूँ सॉरी गन निकालता हूँ मैं। और भाई को एक भाई को पेला, और ये भाई को लगा हेड शॉट। उसके बगैर हम यहाँ पे ना लूट कर रहे होते हैं, ठीक है? अब हमें तो लगा भाई सिर्फ ये दो ही बंदे हैं, लेकिन भाई आगे तो पूरा सिकाड़ था। और यहाँ भाई को देते हैं सस्ता स्प्रे, और सस्ते स्प्रे में भाई दोनों ही आ जाते हैं। फिर फौरन में गाड़ी निकाल के पुश करके हम लोग, क्योंकि भाई देखो अपने को चाहिए किल, ठीक है? अपने को चाहिए किल। और गाइस अक्सर ऐसे होता है कि किल लेने के चक्कर में भी हम लोग गलत चले जाते हैं, तो इसीलिए मैं फुल रोटेट करके ना लेफ्ट से आया, ताकि तो कवर ही मिल जाए और ठहर के हम लोग मारें। तो मैं सबसे पहले अपना किल सिक्योर किया। उसके बाद यहाँ पे आया कोई उन्हीं का बंदा था, उन्हीं का टीममेट था, वो टीम अप करना चाहता था, ठीक है? मुझे नहीं पता शायद वो फ़ैन था या क्या, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। होप्स के वो फ़ैन हो, चुमेश में भी दे रहा था, तो मैं बोल चलो फ़ैन होगा। तो हम लोग यहाँ जम घूम कर रहे थे, तो ज़रा मेरे टीममेट की ज़रा बातें सुनो। तो कमरे में ले जाए नहीं, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ गए ना क्या चाहता था मेरा टीममेट? अब गाइस हम लोग यहाँ पे आए, और यहाँ पे बंदे ऑलरेडी फाइट ले चुके थे या ले रहे थे। तो फौरन हम लोग दूसरे घर से, सॉरी दूसरी बिल्डिंग से इस बिल्डिंग पे आ गए। अब यहाँ पर जो नंबर थ्री है ना गाइस, मुझे नहीं पता शायद ये फर्स्ट टाइम खेल रहे थे क्या। और यहाँ पे मेरा टीममेट जो है वो ऊपर जा रहा था, और लेकिन शॉटगन का एक फटका पड़ा और भाई पिल गए। अब मेरे टीममेट को देखो मुझे नहीं पता ये मुझे क्यों मार रहा था, सच में मुझे इतनी बोलते हुए हंसी आ रही है। और यह मैंने भाई को किया लो, मैं पुश करने जा रहा था, लेकिन मैंने बोला नहीं शॉर्ट गांड सॉरी शॉर्ट गन है उसके पास, पेल देगा मेरे को अभी। और यहाँ मैं नेड़ मार रहा था, और मुझे नहीं पता नेड़ एकदम मेरे मुँह के पास आया। अब किस्मत देखो गाइस कैसे मैं बचा, ठीक है? एचपी भी लो फिर भी नहीं, मैं कैसे बचा मुझे नहीं पता। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पुश करने जाते हैं, और यही नंबर थ्री फाइनली रियल बंदे को मार देता है। मुझे ऐसा लगता है शायद ये मुझे ही मारेगा,
और फिर हम गाड़ी लेके निकल लेते हैं वहाँ से, वहाँ सब खलास कर दिया था हम लोगों ने। उसके बाद यहाँ पर गाइस डेराओ में ना बंदे थे और ये लोग उछल रहे थे, तो मैं बोलता कि भाई वो उछल नहीं रहे, वो जंप करके वहाँ से निकल रहे हैं। अब देखो गाइस यहाँ मुझे हैकर हुकर मत बोलना क्योंकि मैं वहाँ से काफ़ी दूर से देख चुका था। अगर आप लोगों पर नज़र ना आए तो आप लोग ना जूम करके देख सकते हो स्लो 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 मोशन में। अब गाइस ये लोग ना ओपन में लेटे हुए थे, देख रहे हो ये लोग सारे के सारे ओपन में लेटे हुए थे और मैं भाई को सही दिया, ठीक है। लेकिन मेरे जो टीम नंबर 3 है ना, इसने भाई किल चुरा लिया, तो मैंने इसको दी बदुआ। अब बदुआ ऐसी दी कि भाई याद रखेंगे। और इतनी देर में गाइस हमारे जो टीम नंबर 4 है उसके साथ एनिमी ने टप टप कर दी थी और वो नॉक पड़ा था, उसको कोई रिवाइव भी नहीं दे रहा था। फिर मेरा टीममेट जो है वो गया बेचारे को रिवाइव देने के लिए। मैं बोलता हूँ अच्छा मौका है किल निकालने का, तो मैं फ़ौरन जाके हील करता हूँ, एक बैंडेज लगा के गाड़ी पकड़ूंगा और निकल लूँगा मैं यहाँ से। अब गाइस देखो जो नंबर 3 है ना, मैंने उसको कैसे बदवा दी, मैंने बोला कि भाई देखो तुमने मेरा चुराया किल और तुम जा रहे हो अपना किल सिक्योर करने के लिए, मर जाओगे। और यही हुआ भाई, नॉक और भाई पिल गए, देख रहे हो। और इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, और इसी खुशी खुशी में ना मेरी गाड़ी ठुक गई। तो अब गाइस यहाँ पर ना मैं स्मोक की तरफ नज़र रख रहा था और स्मोक में ना मुझे अचानक से ना बंदा नज़र आ गया। वो बंदा कैसे, अब गाइस गौर से देखना ज़रा, वो सर भाई ने निकाला। मैं बोलता अगर आप सर दिखा रहे हो तो फिर सही से लो ना। और मैं गाइस दरख्त को भी देखने देखा, तो मैं दरख्त को भी टप टप करने लगा, तो बाद में पता चला ये तो दरख्त है, मुझे लगा एनिमी का। अब गाइस मैं यहाँ पे ना गाड़ी लेके निकल रहा था, ठीक है, गाड़ी लेके मैं निकल रहा था। उतनी देर में भाई को और भाई ने अपना खड़ा किया, सॉरी खड़े हुए, और फिर मैंने भाई को वहीं पर लेटा दिया। उसके बाद गाइस अब हम करेंगे लूट, ठीक है। अब देखो गाइस मैं तो सुकून से लूट कर रहा था, लेकिन मेरे टीममेट को सुकून नहीं आ रहा था। मैं बोला भाई आपके अंदर जो काट रहा है उसको मैं मार देता हूँ, तो मैंने निकाला नेड। मैंने पहले थोड़ा सा डैमेज दिया, मैं बोला शायद कीड़ा चला जाएगा, लेकिन नहीं गया। फिर मैंने दूसरा निकाला, मैं बोला अब तो जाएगा, फिर भी नहीं गया। मैं बोला नहीं ऐसे नहीं जाएगा। फिर मैंने तीसरा नेड निकाला, मैं बोला अब तो जाएगा, और इस बार कीड़ा गायब एक झटके में। लेकिन गाइस यहाँ पर जो सीन होने वाला है ना, मैं कह रहा हूँ हेडफोन लगा लो, सबसे पहले हेडफोन लगा लो और ज़रा साइड पे हो जाओ, कॉर्नर पे हो जाओ, ठीक है, कॉर्नर पे हो जाओ या फिर अकेले में बैठ के देखो, ठीक है। और जो बच्चे हैं वो ना ही देखे तो ठीक है, ज़रा ये 18 प्लस है, बस आप देखते जाओ ये करते क्या है ये। कपड़े उतार खैर अपने टीम के साथ टपटप करने के बाद गाइस यहाँ पे वही भाई था जो टीम अप करना चाहता था स्टार्ट में, और ये सेव कल खेलता रहा, तो हम लोग भी इसके साथ चुम्मी चाटे करते रहे, देख रहे हो कैसे कर रहा था। तो मेरे जो टीम नंबर 2 है ना गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी टाइप है, ठीक है फनी तो थोड़ा ट्रिकी टाइप है। तो मैंने नेड निकाला फ़ौरन, तो वो भाई फ़ौरन भग गए वहाँ से। इतनी देर में गाइस मेरे जो टीममेट है ना, मतलब लाइक मुझे नहीं पता इतना ट्रिकी क्यों होता, तो मैं जस्ट ना उसको हेलो हेलो बोल रहा था भाई को कि भाई हेलो हेलो, लेकिन आप पे कुछ बोल नहीं रहे थे। चुम्मी ले लो, इसकी बातें सुनो गाइस। ओ भाई ऐसे बैठ ना, ऐसे बैठ, पीक ले, पीक ले ना, ऐसे पीक ले। हेलो हेलो देख रहे हो गाइस, ये मतलब इतने इतनी हिम्मत आती कहाँ से। अच्छा गाइस सही मैं बता दूँ कि ये शादीशुदा है, ठीक है। खैर मैंने निकाला नेड, और नेड निकालने के बाद मैं वो तो भाई बस अब सब्र नहीं हो रहा है, हमें चाहिए विनर विनर मुर्गी डिनर। भाई कुछ बोल भी नहीं रहे तो भाई को मार देते। उसके बाद हमें यहाँ पे मिलता है चिकन डिनर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़। I wanna feel alive, feel the blood inside my veins. I wanna slow the time, will you slow it down with me? I think I need to find what it means to be okay. It's broken by design, can't live life without some pain, yeah. And I know I'll keep running, no, I'll be something you
launching, I grow, I keep hunting. No, I need nothing, supposed to be something so close to me, jumping.